हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं टोमेटो प्यूरी। आप बाजार से भी अच्छी टोमेटो प्यूरी घर पर बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। जिस सीजन में टमाटर सस्ता हो तो आप ये प्यूरी बनाकर रख सकते हैं। तो चलिए फिर टोमेटो प्यूरी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लाल टमाटर लिए हैं, इसे अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लिया है। सबसे पहले टमाटर के पिछले छिलके को निकाल कर इसे टुकड़ों में काट लेंगे। हमने सारे टमाटर को टुकड़ों में काट लिया है। काटने के बाद इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। सारे टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद एक पैन को गैस पर रखें और प्यूरी को इसमें डाल दें और इसे एक उबाल आने के बाद 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, 3 चम्मच के करीब सिरका और इसे अच्छे से मिला लें। सिरका डालने से ये प्यूरी खराब नहीं होती। इसे 3-4 मिनट तक और पकाएं। बीच बीच में इसे चलाते रहें। देखिए ये थोड़ा ठीक हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब ये प्यूरी ठंडी हो चुकी है। आप इसे फ्रिज में रखकर 10 दिन तक यूज कर सकते हैं और आइस ट्रे में डालकर महीने भर फ्रीजर में रखकर यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये टिप यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।